मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है। मेरा एक बेटा 11 में, एक बेटा 12 में। मेरा बेटा जो है 8-9 क्लास से ही आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। गार्जियन को कैसा लगा होगा कि हम 8-9 से अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा रहे हैं, और जब लॉकडाउन में लगा कि भाई ये तो अब अंतिम ईयर है, अब ये इस ईयर में ही कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा, कैसे व्यवस्था होगी। हम इस आकाश इंस्टीट्यूट का शुक्रगुजार हैं, काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हम बहुत डर गए थे कि भाई ऑनलाइन क्लास जो है होगा अच्छा या नहीं होगा, तो हमारे बच्चे का करियर क्या होगा, फिर साल भर हो सकता है कि उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा क्या। लेकिन तजुब की बात है कि हमारा रेहान भूषण 11 में 620-625 नंबर ला रहा था, और अभी जो है ऑनलाइन क्लास में इस आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ के जो AIATS होता है उसमें 664, 660, 674 तक नंबर लाया, और काफ़ी जो है सिस्टम से पढ़ाई जो हुई है हम बहुत खुश हैं। एक दो बार सर जो है हमको बुलाए कि सर यहाँ भी हम जो है बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखते हैं, और किताब जो है बच्चों का ले जाइए, बुक्स वगैरह, उसको भी हम लेने आए। जब लेने आए तो देखा कि भाई सही में सीढ़ी से सिस्टम में जो है वो पोछा लगा रही थी, फिर आगे गेट पर भी जो सैनिटाइजर और ये जो मशीन होता है चेक करने वाला, फिर भीतर जब आए किताब लेने तो किताब को सैनिटाइज करके सर जो है संजीत सर या कोई और भी वो दे रहे थे। फिर हम वीर बहादुर किताब लेकर के वीर बहादुर सर के चैम्बर में आए, कुछ बात हमको अपना पर्सनल कुछ करनी थी बच्चों के बारे में। वहाँ भी देखा कि गेट से जैसे ऑफिस घुसे तो वहाँ भी सब लोग जो है कहाँ जाना है सर, और सैनिटाइज का सिस्टम लेके खड़ा थे और सारे लोग मास्क लगाए हुए थे। मतलब COVID-19 का हो बहु पालन लॉकडाउन के पीरियड में तो ये लोग कर ही रहे थे, हमने अपने आँखों देखा। जब ऑफलाइन क्लास की बारी आई तो हम फिर वीर बहादुर सर से हमने फ़ोन किया कि सर अब क्या होगा, सारे लोग ऑफलाइन कर रहे हैं लेकिन थोड़ा मन डर रहा है। जब सर बोले कि ऐसा है सर कि हम एक दिन आपको विजिट करा देंगे, हम जो व्यवस्था है ITER में, लाइब्रेरी में, ऑफिस में या क्लासरूम में, हम सर सारा सिस्टम का सर पालन किए हैं, वो आप एक दिन आके विजिट कर लेंगे, हम उसको सर आपको दिखा देंगे। हमने अपने से विजिट किया वीर बहादुर सर के साथ, और देखा कि COVID-19 का अक्षरशः पालन हो रहा है, डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, तो सारा सिस्टम जो किताब दे रहे थे, जो सर मेंटेन करके डाउट बता रहे थे, ITER में जो है बच्चे मेंटेन करके ITER सुन रहे थे, तो हमको लगा कि भाई ये तो बड़ा खुशी की बात है कि हमारा दूसरा बेटा 11 में है ऋतिक भूषण, हमको अभी साल भर जो है इस इंस्टीट्यूशन से जो है लगा था कि भाई बेटा आएगा जाएगा क्या पालन, और लोग को भी कहेंगे कि आकाश इंस्टीट्यूट जहाँ के ब्रांच मैनेजर वीर बहादुर सर हैं पूरी तरह COVID-19 का पालन कर रहे हैं, सारे लोग सारे गार्जियन अपने बच्चों के लिए आश्वस्त रहें, मतलब समझें कि जैसे घर में उनका बच्चा है वैसे आकाश इंस्टीट्यूट में है। क्योंकि ये संजोग की बात है, वो तो मैं पहले भी कहा था, मैं पहले भी देखा था कि यहाँ के ब्रांच मैनेजर सारे बच्चे को जब क्लासरूम में जाते हैं अपने जब समझाने या बात करने अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, ये खुशी की बात है, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। मेरा नाम रेहान भूषण है, मैं स्टैंडर्ड 12th में आकाश इंस्टीट्यूट कंकड़बाग पटना में मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे लगा कि अब मेरी तैयारी कैसे होगी, तो उस टाइम आकाश इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया, और ऑनलाइन क्लास में मेरे सारे कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर किए। और जब हमारे पास पढ़ने के लिए 12th के पैकेज नहीं थे तो आकाश इंस्टीट्यूट ने हमें पैकेज भी प्रोवाइड किया COVID-19 के हर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, और बीच बीच में मोटिवेशनल वेबिनार भी किया जिससे हम लोग को मोटिवेट किया गया ताकि हम स्ट्रेस में ना जाएं। और अभी जब ऑफलाइन क्लास की बारी आई
तो ऑफलाइन क्लास में भी आकाश इंस्टीट्यूट हर COVID-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ऑफलाइन क्लास कंटिन्यू किए। सो फॉर ऑल ऑफ दिस आई एम हाईली थैंकफुल टू आकाश इंस्टीट्यूट। थैंक यू आकाश। मेरा नाम ज्योति प्रभाष है। मेरे बेटे का नाम अधित प्रभाष है। मेरे बेटे ने पिछले साल फाउंडेशन कोर्स में आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। मेरे बेटे के एडमिशन लेने के तुरंत बाद COVID-19 का सिचुएशन स्टार्ट हो गया। मेरे बेटे ने ऑनलाइन कोर्स थ्रू आउट किया। ऑनलाइन कोर्स को मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया और जो भी फैकल्टीज़ टीचिंग मेथड्स लर्निंग प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजीज ये मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किए। मैंने अपनी बेटी के लिए भी प्लानिंग की, मैंने उसे भी एडमिशन दिलाया, पर अबिट मुझे ये कन्फ्यूज़न था कि मैं अपने बच्चों को ऑफलाइन कोर्सेस के लिए भेजूं या नहीं। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट को विज़िट किया, मैंने COVID-19 हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को काफ़ी नज़दीक से ऑब्ज़र्व किया। मैंने इस इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे के लिए सारी चीज़ों को सुरक्षित पाया। सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर हेल्थ सैनिटाइजेशन की बात हो, ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही प्रॉपर पाया। थैंक्स अ लॉट आकाश। मैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ में अपने दोनों बच्चों को ऑफलाइन कोर्सेज के में भेजने को तैयार। नमस्कार, मेरा नाम बीबी सिंह है। मैं अजय ब्रांच हेड आकाश इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट में हमारी पहली प्राथमिकता होती है शिक्षा, साथ साथ सुरक्षा। और आज के इस परिवेश में शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी उतना ही मायने रख रहा है। कोविड के सिचुएशन में पेरेंट्स बहुत परेशान थे, हमारे पास अप्रोच कर रहे थे, बार बार कॉल कर रहे थे कि सर हमारे बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा। हमने पूरे सिस्टम को ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट किया, डिजिटाइजर के थ्रू बच्चों को पढ़ाया। MS Team में पढ़ाने के समय बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि सर हम नोट्स छूट जा रहा है, कुछ बच्चे मोबाइल से पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समस्या को समाधान के लिए हमने सारे फैकल्टी को डिजिटाइजर दिया। डिजिटाइजर में एक सुविधा है कि जो भी फैकल्टी नोट्स लिखते हैं वो ऑटो सेव हो जाता है और उस नोट्स को हम बच्चे को उसके बाद में भेज दिया करते हैं। इससे बच्चों की जो समस्या थी वो पूर्णतः सॉल्व हो गई और सारे बच्चे सेटिस्फाइड वे में जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लास को एंजॉय कर रहे थे और उनका पर्पस भी सॉल्व हो रहा था। मगर ऑनलाइन क्लास जब चल रहा था तो पेरेंट्स उसमें यूज टू हो गए थे, मगर जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होने लगा और इंस्टीट्यूट खोलने का अनुमति गवर्नमेंट की तरफ से आया तो भी पेरेंट्स के मन में फिर से एक वो डर था कि सर अब ऑफलाइन क्लास में बच्चों का क्या होगा, बच्चे क्या वहाँ पर सुरक्षित हैं। तो हमने कुछ गार्जियन को इन्वाइट किया और आगे भी मैं सभी गार्जियन को इन्वाइट करना चाहता हूँ कि वो आकाश के किसी भी सेंटर को विजिट करके देख लें। यहाँ पे पूरी तरह से COVID-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। जैसे ही बच्चे इंटर कर रहे हैं हम उनको सैनिटाइज करते हैं प्रॉपरली, उनका बैग वगैरह सब सैनिटाइज करते हैं, उनका टेम्परेचर नापते हैं, उसके बाद प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में बैठाया जाता है और हर तरह की वो चीज़ें हैं उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। समय समय पर क्लास में फॉगिंग के थ्रू पूरे क्लास को सैनिटाइज किया जाता है, क्लास से पहले, क्लास के बाद में। और मैं गार्जियन को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि निर्भीक होकर के वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजे। यहाँ पे सारी वो सुविधाएँ मेंटेन है, सारी वो चीज़ें दी जा रही हैं जो अपने बच्चों को वो घर में मुहैया करा रहे हैं। मैं एक बार पुनः सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि एक बार आप आकाश के किसी ब्रांच को ज़रूर विजिट करें और आपके मन में कोई अगर शंका हो तो उसका निवारण करें। धन्यवाद, शुक्रिया।